देखिए गर्मी में मजा लेते हुए, इसे कहते हैं लाइफ। स्कूल से बैठी हुई हैं भैंसें, देखो मुंह धो रही है। गाइस यहाँ पे वोटिंग पॉइंट को भी रास्ता जाता है, वोटिंग के लिए किसी ने जाना हो तो यहाँ से जा सकता है। ये देखिए सामने वेलकम वोटिंग पॉइंट। और अभी तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि मैं जब पहले आया था तब गया था वहाँ पे, और साथ में अभी तूफान चल रहा है तो अभी वोटिंग हम कर नहीं पाएंगे। तो चलिए अभी हम चलते हैं पुल पे। तो जो भी यहाँ पे आता है मतलब कि सेफली भी नहीं बोलूँगा, मतलब कि ठीक ही होता है। हाँ रिस्क तो होता है पानी में जाने का, बोटिंग कर सकते हो आप, मैंने करी हुई है। अगर किसी को भाई डर लगता है जाने से तो वो तो रहने ही दे, जिसको जाना है वो हिम्मत करके जा सकता है। ये हम वापस पहुंच चुके हैं वहीं पे नवोदय के पास, और अभी हम जा रहे हैं पुल पे। सो गाइस ये रास्ता जाता है, आप देख सकते हैं ये जाता है पुल पे, और बहुत ही अच्छा रास्ता है, न्यू बना हुआ है। चलिए अभी हम चलेंगे पुल पे और देखेंगे रास्ता कैसे है। सो गाइस आप देख सकते हैं वो सामने पुल दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा अभी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेगा पुल। तो पहुंच चुके हैं अटल सेतु बसोली, और सामने देख सकते हैं आप अभी हम जाएंगे वहां पे। गाइस बहुत ही अच्छा पुल है ये यहाँ पे, मतलब कि बहुत ही मेहनत करी है जिसने ये बनाया है, बहुत ही फुर्सत में बनाया है किसी ने। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं डलोजी 46 किलोमीटर, चंबा 85, और पठानकोट यहाँ से 57, और धर्मशाला 98। अगर किसी ने हिमाचल जाना हो तो ये रूट बेस्ट है उसके लिए। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं अटल सेतु ब्रिज। अभी हम ऊपर आ चुके हैं इसके, तो रुकेंगे हम यहाँ पे। सो रुकते हैं अभी यहाँ पे और निकलते हैं बाहर गाड़ी से, देखते हैं कैसा व्यू है यहाँ पे। चलिए वाह भाई क्या बात है यार, हवा भी चल रही है ना ठंडी ठंडी। और देखिएगा इसकी क्या ही बात है यार इस पुल की। देखिए गाइस ये किसी नाले के ऊपर या नदी के ऊपर नहीं बना हुआ है, डैम पे पुल बना हुआ है। आप देख सकते हैं सामने डैम है ये रणजीत सागर डैम, और इस पे ये पुल बना हुआ है जिसका कि नाम रखा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, अटल सेतु टनल, ओ सॉरी टनल नहीं अटल सेतु ब्रिज।
टनल का याद आ रहा है, क्योंकि टनल अभी बना था अटल सेतु, तो उसका याद आ रहा है मेरे को। देखिए गाइस, कोई स्टंट कर रहा है, गिरेगा नीचे, फिर इसको पता चलेगा स्टंट कैसे होते हैं। जब हमारा ज़माना था तो हम भी बहुत स्टंट किया करते थे, बट आजकल हम मैच्योर हो चुके हैं, तो अभी ये सब देख के डर लगता है। सो आप देख सकते हैं व्यू, बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ का, और सामने माता का मंदिर है। जब हम यहाँ पे मतलब कि वहाँ पे भी एक बार विजिट जरूर करेंगे हम उस मंदिर पे, फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या है वहाँ पे। आज तक गया तो नहीं हूँ मैं वहाँ पे, जाने का पूरा मन है मेरा। अगर कोई भी जाएगा वहाँ पे तो वहाँ की मेरे को वीडियो बना के भेज देना, और अगर कोई गया है वहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो, क्योंकि मैं तो नहीं गया हूँ वहाँ पे, बट जाने का प्लान बनाना पड़ेगा। ये देखिए गाइस, बहुत ही अच्छा पुल है। तो अभी रुकेंगे हम यहाँ पे, फोटो क्लिक करेंगे, क्योंकि स्टेटस लगाने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। और मेरा जो अपना इंस्टाग्राम चैनल है वो अपना मिस्टर वर्मा जी 143 के नाम से है, तो अब जाके ज्वाइन कर लो। और मेरा यूट्यूब चैनल का तो आपको पता ही रहेगा, द वर्मा ब्लॉग्स। और फेसबुक पे कोई मेरे को ज्वाइन करना चाहता हो तो रिंकू चोपड़ा के नाम से फेसबुक है मेरी, तो जाके आप ऐड कर लीजिए। सो गाइस, आप पीछे देख सकते हैं, मतलब कि काफ़ी रश रहता है इस पुल पे, और ये हमारे मुन्ना भाई काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पे लोग अपनी फैमिलीज को लेके आए हुए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे लोग एंजॉय करने के लिए आते हैं, और यहाँ पे मतलब कि ऐसा नज़ारा है ना कि मतलब क्या ही बात है इस नज़ारे की। जब भी आप यहाँ पर आओगे तो आप बोर नहीं होगे यहाँ पर आके, ये मेरी गारंटी है। पीछे आप देख सकते हैं डैम का व्यू है, पीछे पुल का व्यू है यहाँ पर, और लोग काफ़ी सारे आए होते हैं यहाँ पे, तो स्कूल की पिकनिक्स भी आती हैं। और हमारे यहाँ पे एक यहाँ की करणवाड़ा की एक लड़की थी, यहाँ पे गाना गा के वो मशहूर हो गई, इतनी कि आज सिंगर बनी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छी सिंगर है, उसको गलत नहीं बोलते हम कुछ भी, क्योंकि उस लड़की ने बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, तभी वो आज सिंगर है। सो आप देख सकते हैं यार, व्यू देखिए बहुत ही अच्छे। वो सामने जहाँ पे अभी हमने पहली वीडियो में आपको दिखाया, इससे पहली वीडियो में कि पुरथू, वो सामने है। तो द मिनी गोवा, ये जो एरिया दिख रहा है सारा, ये जो एरिया है ये पुरथू द मिनी गोवा है। और डैम देखिए, वो सामने है वहाँ पे डैम साइड, जहाँ की आपको मैंने व्यू दिखाया हुआ वहाँ का भी। और ये सामने पंजाब वाली तरफ, इस पुल को आप क्रॉस करोगे तो पंजाब पट जाता है, और वहाँ पे आपको इसके पुल के पार पंजाब पुलिस दिखेगी, और यहाँ पे J&K पुलिस दिखेगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सामने मंदिर है, मेरे को तो लगता है माता का ही मंदिर होगा, लेकिन इतना तो मेरे को भी नहीं पता है, सो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकूँगा आपको भी, क्योंकि मेरे को खुद क्लियर नहीं है कि कौन से भगवान का मंदिर है और यहाँ पे क्या है। ये है कि यहाँ पे आपको व्यू दिखा सकते हैं हम, सो आप देखते रहिए व्यू मेरे साथ। और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो हम एंजॉय कर रहे हैं। वैसे तो गर्मी वाला मौसम है, बरसात का भी मौसम है साथ में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है आपको तो पता ही है, तो लेकिन आज ठीक है मौसम, आज मज़ा आ रहा है यहाँ पर। चलिए देख लीजिए पुल का पूरा व्यू, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो सबसे पहले तो, क्योंकि अभी तो आपको मैं यहाँ पे लोकल ही दिखा रहा हूँ अपना
लोकल विजिट कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा कुल्लू मनाली, लेह लद्दाख, ऐसी ऐसी जगहों पे, वहाँ पे विज़िट करेंगे। बट क्या फ़ायदा है जब तक सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तो जब तक वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक क्या फ़ायदा है वीडियो बनाने का, ऐसे इतनी दूर जाने का। पहले मेरा चैनल ग्रो हो जाए, उसके बाद आपको हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे इसी चैनल पे। अब बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। तो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, और बने रहिए आप मेरे साथ। मैं हूँ आपका अपना भारत। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।